Señor Jesus Christ is master. To war, looking unto Jesus.
So we have gathered here
for the graduation ceremony of Philadelphia Bible College. Philadelphia Bible College के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर इस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं. May invite Pastor Ratan Naik, the Vice President of Philadelphia Fellowship Churches, to please come forward and occupy your seat. Reverend Ratan Naik, जो Philadelphia Fellowship Church के Vice President है, कृपया आगे आके अपने सीट को ग्रहण करिए. And we will begin with prayer. And to pray, may invite Reverend Tajendra Masi, a senior faculty member of Philadelphia Bible College. आंखों को बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना. आइए हम प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अनुग्रह दया के लिए, प्रेम के लिए जो आज तक तूने हमारे लिए किया. हम विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारे बाइबल कॉलेज के लिए, और जिसके द्वारा से प्रभु जी तूने हजारों जवानों को प्रभु जी तेरे सेवा के लिए प्रशिक्षित किया. और परमेश्वर पिता, इस भारत वर्ष में और विदेशों में भी तेरी सेवा के लिए आज तक इस्तेमाल किया. हम धन्यवाद करते हैं. जो काम तूने शुरू किया उसको तूने बहुत बढ़ाया, परंतु आने वाले दिनों में भी हम प्रार्थना करते हैं तेरा आशीर्वाद और तेरा अनुग्रह इस बाइबल कॉलेज पे होने पाए. और परमेश्वर पिता, इस पूरे भारत वर्ष में तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हजारों जवान प्रभु जी भाई और बहन आने पाए और शिक्षित होकर के तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, इससे हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम से जो काम प्रभु शुरू किया है उसको अंत तक उस थाती की रखवाली करने वाला तो जिंदा परमेश्वर है. हालेलुया. अपनी योजना और अपना प्लान जो तूने प्रभु जी इसके प्रति रखा है उसको पूरा करने के लिए हम तेरी ओर देखते हैं. हालेलुया. ओ न तो बल से होगा, न ताकत से होगा, मेरी आत्मा से होगा. हालेलुया. प्रभु जी गए सालों से और बढ़ करके प्रभु जी इस बाइबल कॉलेज के द्वारा से एक महान कार्य और बड़ी क्रांति यीशु नासरी के नाम से इस पूरे भारत वर्ष में और विदेशों में फैल जाए, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं. हालेलुया. कई जवानों को तू तैयार कर. हालेलुया. ओ ये तेरे प्रभु जी रण और क्षेत्र के लिए प्रभु जी हजारों जवानों को प्रशिक्षण का एक केंद्र बने और एक बड़ी माइटी ओ आर्मी तैयार हो परमेश्वर पिता. हालेलुया. जो शैतान के गढ़ों को ढा सके, अंधकार की शक्तियों को कुचल ले पाए यीशु नासरी के नाम से. हालेलुया. ओ जो विजय क्रूस पर तूने हमें मिली है उसको परमेश्वर पिता हालेलुया इस पूरे भारत वर्ष में फैलाने के लिए तू इस्तेमाल कर परमेश्वर. हालेलुया. आज तक तू यहोवा निसी रहा, आज तक तू यहोवा इरे रहा परमेश्वर पिता, आगे भी तू हमारा परमेश्वर पिता ओ अनुग्रह करने वाला परमेश्वर. हम तेरी ओर देखते हैं, सारे कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं. आमेन. धन्यवाद सर. नाउ मे इनवाइट डॉक्टर फिनी फिलिप, द एकेडमिक डीन ऑफ फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज, टू कम फॉरवर्ड and to introduce this program and the Bible College and the ministries and welcome the guest. May Dr. Finney Philip, jo academic dean hai Philadelphia Bible College, unhe swagat karta hu, anurodh karta hu ki aage aakar swagat kare aur is program ka Bible College ka parichay karaye. Hallelujah. Hallelujah. It's great to be here this morning. आज के सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. God's goodness is continuing upon the ministry of the Bible College. और परमेश्वर की भलाई हमारी बाइबल कॉलेज की सेवकाई के ऊपर बनी हुई है. With you all and with the prophet Isaiah, we could only say that Lord, you have established peace for us. और हम आप सभी के साथ में मिलकर और यशया भविष्यद्वक्ता के साथ में मिलकर हम यह कह सकते हैं, हे प्रभु, तूने ये शांति हमारे बीच में भेजी है. All that we have accomplished, you have done for us. और हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है. You know, this is the 25th year of sending out graduates into the mission fields of India. और ये हमारा 25वां वर्ष है जब हम भारत के मिशन फील्ड क्षेत्रों के अंदर यहाँ से स्नातकों को भेज रहे हैं. You know, this year God has enabled us to send over 34 students will be graduating from this in this year. और इस साल 34 स्नातक यहाँ से बाहर निकलेंगे.
And not just in India, but in the neighboring countries of India too. लेकिन भारत में नहीं, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में भी जाएंगे. You know, this college started in Songadh in 1981, the last months of 1981, but God has brought us this far. और 1981 के आखिरी महीनों में सोनगढ़ में ये कॉलेज का आरंभ हुआ था, लेकिन हमारा परमेश्वर ने इसे यहाँ तक पहुँचाया. In the last 23 years, God has enabled us to send out over hundreds of graduates from the Bible College. और पिछले 23 वर्षों के अंदर सैकड़ों की संख्या में स्नातकों को भारत की सेवकाई के लिए निकालने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया. The uniqueness of Philadelphia Bible College is that all of them, most of them are working in the pioneering mission fields of North India. और हमारे बाइबल कॉलेज के स्नातकों की विशेषता यह है कि भारत के ऐसे क्षेत्रों में जहां कभी कोई नहीं गया, ऐसे जगहों में जाके नए नए कार्यों को हमारे स्नातक आरंभ करते हैं. It is our vision, it is our dream to see and to produce and to equip and to send hundreds of young men and women to stand for Jesus in this nation. और यह हमारा दर्शन है और यह हमारा लक्ष्य है कि भारत के देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में हम नौजवानों को भेजे कि वे कलीसिया स्थापित कर सके और यीशु के लिए खड़े रह सके. You know, at the Udaipur College and other training centers, it is our desire to shape young lives for the ministry in India, shape them for the mission work in India so that people can come to the kingdom of God. और उदयपुर के हमारे बाइबल कॉलेज में और अन्य ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर हमारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि हम नौजवानों को और इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि भारत के अंदर परमेश्वर के राज्य के लिए वे एक उपयोगी पात्र के रूप में रूपांतरित हो जाए. This year we have about 100 students studying at the Udaipur Bible College. और इस वर्ष लगभग 100 विद्यार्थी हमारे उदयपुर के बाइबल कॉलेज में अध्ययनरत थे. God has added many more qualified faculty members into our team. और परमेश्वर ने कई अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापकों को हमारे जो टीम के अंदर शामिल किया है. Reverend Salu Daniel, C.P. Thomas, Reggie Thomas has joined the team recently. और भाई सालू डैनियल, सीपी थॉमस और रजी थॉमस हमारे इस टीम में शामिल हुए हैं. And God has given us a wonderful leadership, visionaries to stand and lead this Bible college in a wonderful way. और परमेश्वर ने अपने दर्शन को पाए हुए अगुओं को हमें दिया है कि हमारा नेतृत्व कर सके और इस बाइबल कॉलेज को एक सही मार्गदर्शन दे सके. Dr. Thomas Matthews and Evangelist Thumpy Matthew are under leadership to challenge us and to motivate us to see the great things that God wants to accomplish in North India and all over India. और Dr. Thomas Matthews और Evangelist Thumpy Matthews के कुशल नेतृत्व में हम वास्तविक रीति से परमेश्वर ने जो दर्शन मान ले रखा है उसके अनुरूप आगे बढ़ पा रहे हैं. With that introduction, I would like to go into my main purpose of standing here. और उस आरंभिक परिचय के बाद में मेरे मुख्य उद्देश्य के लिए मैं प्रवेश करूं. You know, it's to welcome our special guests and people who have come over here. और आज हमारे विशेष अतिथियों को और यहाँ पर उपस्थित आप में से हर एक व्यक्ति को स्वागत करना है मेरा लक्ष्य. Oh, we welcome the presence of God. We welcome the presence of Father and the Son and the Holy Spirit into this meeting. और हम सबसे पहले हमारे पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की इस जगह में उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं. Oh, it is only the presence of God that makes the difference in our graduation. और यह केवल परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमारे दीक्षांत समारोह के अंदर एक फर्क को या एक जान को ला सकती है. Only God can call his people and send them out for his work, for his kingdom in this nation. परमेश्वर ही लोगों को बुलाता है और अपने कार्य के लिए परमेश्वर ही लोगों को भेजता है. We are only instruments for him to stand and equip people for that ministry. हम तो केवल कुछ पात्र हैं जो लोगों को तैयार करते हैं और परमेश्वर की योजना के लिए लोगों को मार्गदर्शन, मार्ग निर्देशन देते हैं. It is my privilege to welcome our special guest, chief guest, the graduating Pastor David Wallace. This morning into the graduation service. और आज ये मैं मेरे जीवन का सौभाग्य समझता हूँ कि फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के तमाम स्नातकों के ओर से पास्टर डेविड वैलिस का मैं हमारे मध्य में स्वागत करता हूँ. हम जोर से तालियां बजा के स्वागत करेंगे. There is no better person than Pastor David Wallace this morning here because he is already put his heart in India in preparing leaders
in this nation for the kingdom of God. और आज के इस हमारे समारोह में पास्टर डेविड वैलिस बेहतर या उत्तम कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह साबित किया है कि भारत के लिए, भारत में मसीह कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से सौंप दिया है। You know, it's a great privilege for us to have you, sir, this morning to bless us with the word of God. सर, आज आप हमारे मध्य में हो, यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके द्वारा आशीष को पाएं। I also welcome Sister Merlin to this graduating service. और बहन मर्लिन का भी मैं हमारे मध्य में स्वागत करता हूं। जोर से तालियां बजाएं हम लोग। I would also like to welcome Dr. George Vergis this morning into our graduation service. और उसी प्रकार से डॉक्टर जॉर्ज वर्गीस का भी हमारे मध्य में मैं स्वागत करता हूं। He is a man with theological credentials. और वह एक व्यक्ति है जिनके पास में theological degree है। And you know, we are really privileged to have him this morning to be with us in encouraging us and to be motivating us for God's work at this season. और आज मैं इसे सौभाग्य की बात समझता हूँ कि वे हमारे मध्य में हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमें मार्गदर्शन देने के लिए। Thank you for joining with us and please let the word of God flow from you in your greetings to the graduating class. और आपका हम स्वागत करते हैं और आपके संदेश के द्वारा परमेश्वर की आत्मा का एक प्रवाह को हम अनुभव करने पाए। Hallelujah. And also Bill Yates, thank you for your presence this morning. और बिल येट्स साहब, आपकी उपस्थिति के लिए भी आपका धन्यवाद। Let us welcome him. हम जोर से तालियां बजा के पास्टर बिल येट्स का स्वागत करेंगे। You know, we can call him as the one man Bible college. और हम उन्हें एक व्यक्ति का जो बाइबल कॉलेज है वो हम उनको कह सकते हैं। He goes and train and equip people all over the world and it's our privilege to have you, sir, this morning. वो व्यक्ति के रूप से विश्व भर में जाते हैं और लोगों को अलग अलग जाके प्रशिक्षण देते हैं और सेवा क्षेत्रों में भेजते हैं। Both Dr. George Vergis and Bill Yates come to our Bible college and spend their time in teaching our students. और Dr. George Vergis और Pastor Bill Yates हमारे Bible college में आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। Our co-founders, both Dr. Thomas Matthews and Thumbi Matthew, Pastor Thumbi Matthew are here this morning. और हमारे स्थापक Dr. Thomas Matthews और भाई Thumbi Matthews आज हमारे मध्य में हैं। God has raised this man. परमेश्वर ने इन लोगों को उठाया है टू ट्रांसफॉर्म ए जनरेशन, एक पीढ़ी को रूपांतरित करने के लिए। थैंक यू फॉर योर विजन, आपके दर्शन के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस दिस मॉर्निंग, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। रिसीव मोर फ्रॉम द लॉर्ड एंड गिव इट टू अस, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड वी वेलकम यू टू दिस ग्रेजुएटिंग। परमेश्वर से और अधिक आप प्राप्त कीजिए और हमें सिखाइए, हम आपके पीछे आपका समर्थन करने के लिए खड़े हैं। Reverend Joy Punis is here this morning. Reverend Joy Punis आज हमारे मध्य में हैं. And it's our privilege that he is here to encourage and motivate us this morning. And we welcome you, sir, into this graduation. और यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे आप मध्य में आए हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, हम आपका भी स्वागत करते हैं. And it's our privilege to have Mrs. Molly Matthews for the first time here in our graduation service. और यह हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमारे दीक्षांत समारोह में आज पहली बार मौली आंटी आई हुई है, जो कि तंबी अंकल की वाइफ है, उनका हम स्वागत करते हैं। We are honored by your presence. आपकी उपस्थिति से हम सम्मानित हुए हैं। Your silence is an inspiration for us. आप चुप रहते हैं लेकिन वही हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का कारण बन जाता है। We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं। We also welcome our Philadelphia Fellowship Church of India executive members. और Philadelphia Fellowship Church of India के executive जो सदस्य हैं, उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ। Thank you for your guidance. Thank you for your experience in your direction towards the training of the people of God. और आपके निर्देशन के लिए जो परमेश्वर के लोगों को तैयार करने के लिए आप हमें देते आए हो, उसके लिए हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। Thank you for your presence, sir, and also we welcome you to this graduating. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद और हम आपका भी स्वागत करते हैं। We also have many international guests with us. और हमारे पास में देश विदेश से कई मेहमान आए हैं। Edward and the team from Canada here. और कनाडा से पास एडवर्ड और उनके साथ में उनकी पूरी टीम मिल के आए हैं। अब जोर से तालियां बजाएं उनके लिए। जॉर्ज थॉमस from Houston is also here. और भाई जॉर्ज थॉमस जो ह्यूस्टन अमेरिका से आए हैं, वो भी हमारे मध्य में हैं। You know, we are blessed by your presence this morning. आपकी उपस्थिति से हम आशीषित हुए हैं।
We also have many people who have traveled a long way from Kerala to Bihar and to other parts of India to be part of this graduation. और भारत के दूर-दूर के कोनों से लोग हमारे मध्य में आए हैं. आप सभी की उपस्थिति से हम प्रोत्साहित हुए हैं. Your presence makes a difference here because there is a great blessing when saints come all from all over India. आपकी उपस्थिति यहां पर एक रूपांतरण को लाती है क्योंकि परमेश्वर के लोग जब इकट्ठे होते हैं वहां की स्थिति बदल जाती है. Hallelujah. Hallelujah. You know, and the most special people this morning. और आज के सबसे खास लोग you know, the graduating class. वो है हमारे स्नातक होने वाली कक्षा. Let us welcome them. हम जोरदार तालियों से इन भाई और बहनों का हम स्वागत करेंगे. In the past years, they worked hard, they were disciplined hard, and now it's time for you. And God bless you as you are part of this graduation. और पिछले वर्षों में आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत अनुशासित जीवन को बिताया, और आज ये आपका समय है कि आप यहाँ से स्नातक की उपाधि को प्राप्त करें. We welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं. You know, we have the parents of the graduating class. You know, we welcome you also into this graduating ceremony. और आज यहाँ से दीक्षा पाने वाले विद्यार्थियों के माता पिता उनके संबंधी भी यहाँ आए हैं. आपका भी हम स्वागत करते हैं. You know, Sister Sangeeta, thank you for your help, and we welcome you also to this graduating ceremony. और बहन संगीता हमारे मध्य में, उनका भी हम स्वागत करते हैं. And the music team. और जो म्यूजिक टीम का. And everyone. और आप सभी का. The students. विद्यार्थियों का. The faculty members. और हमारे अध्यापक वृंद का. And the big family of Philadelphia Church. और फिलाडेल्फिया चर्च के तमाम परिवार के सदस्यों का. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर इकट्ठा है, I welcome you in the name of Jesus. यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूँ. Once again, on behalf of the principal, the faculty members, and the students, we welcome each and every person. एक बार और हमारे बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल, अध्यापक वृंद और पूरे बाइबल कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. Jesus said, यीशु ने कहा, My Father is working. मेरा पिता कार्य कर रहा है. I am working too. मैं भी कार्य कर रहा हूँ. And as his disciples. और हम जो उसके चेले हैं, we are too in his work. हम भी उसके कार्य में लगे हुए हैं. May God bless you with this one. परमेश्वर आपको आशीष दे. Thank you, Finney sir, for your hearty welcome and the inspiring words. धन्यवाद Finney sir, आपके अच्छे स्वागत के लिए और आपने हमें प्रोत्साहन दिया. And the next program is scripture reading by Brother Suresh Vijay Gamit, who is working in Agra and a graduate. And as he's coming, may I invite Pastor Miraji Gamit, who is teaching in the Philadelphia Bible Institute, to come forward and occupy your seat. Rubia, Pastor Miraji Gamit, manch pe aa jaiye aur apne kursi ko grahan kijiye. And Brother Suresh is going to read from 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 15. अपने अपने बाइबल खोलिए और दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 15 तक सुरेश भाई के साथ हम मिलके पढ़ेंगे. दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 1 से 15. 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 15. इसीलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा. जो जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता. फिर अखाड़ा में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता. जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले ही उसे मिलने चाहिए. जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा. यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है जिसके लिए मैं कुकर्मियों की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ. परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए. यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, यदि हम
अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की शुद्धि उन्हें दिला और प्रभु यीशु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमेन। धन्यवाद सुरेश भाई। नाउ मे इनवाइट डॉक्टर जॉर्ज वर्गीस, हु हैज बीन वन ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दिस कन्वेंशन, टू कम फॉरवर्ड एंड गिव अस वर्ड ऑफ ग्रीटिंग्स। अब मैं डॉक्टर जॉर्ज वर्गीस आपको इनवाइट करता हूं कि आगे आइए, एंड डॉक्टर पॉल मैथ्यूज विल बी ट्रांसलेटिंग फॉर। Praise the Lord and greetings to all of you, especially the graduates. स्नातक होने वाले छात्रों को, विशेषकर बाकी सब लोगों को जय मसीह की। I thank God for this great opportunity that God has given me. आज सुबह जो ये सुंदर सौभाग्य प्रभु ने दिया उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। It is a great privilege to serve God. प्रभु की सेवा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। Graduates, you are called to be witnesses. स्नातकों, जी उठे यीशु मसीह के गवाह होने के लिए आपको ठहराया गया है। And Christ is in you, the hope of glory. और मसीह तुम में है जो महिमा की आशा है। Let those who see you see Christ. और जो लोग तुम्हें देखे वे प्रभु को देखने पाए। And your job is to present every man perfect in Christ. और आपका एक ही कार्य यह है कि हर एक व्यक्ति को सिद्ध कर कर प्रभु के सामने पेश करें। In Christ dwelleth all the fullness of Godhead bodily. और मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता निवास करती है। And that Christ is in you, the hope of glory. और वो मसीह तुम में है जो महिमा की आशा भी है। So you carry the fullness of Godhead with you. और इसलिए आप स्वयं परमेश्वर की संपूर्णता को लेकर चलते हैं। So, those who see you, let them see Christ in you. और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे कहूं कि जो आपको देखते हैं वे मसीह को देखने पाएं। Praise God. Praise the Lord. Once Samuel set a pillar between Mizpah and Shen and called it Ebenezer, saying, "Hitherto the Lord hath helped us." और एक बार शमूएल ने मिस्पा और शेम के बीच में एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम उसने एबनेजर रखा, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ तक प्रभु ने हमको चलाया है। Look back to your past and raise a pillar of praise to God, saying, "Hither to the Lord hath helped me." मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुराने जीवन को आज याद करिए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने आज तक हमें चलाया है। One day Abraham answered his son's question saying, "Son, God shall provide." एक बार जब इब्राहिम के बेटे ने उससे पूछा कि भेड़ कहाँ से आएगी, मेमना कहाँ से मिलेगा, उसने बोला परमेश्वर उपाय करेगा। Look forward, and if you do not know the answer, I have the answer for you. Jehovah Jireh, He shall provide. और आप आगे देखते रहिए, किसी बात से विचलित मत होइए, और ये याद रखिए, मैं याद दिलाता हूँ आपको कि आपका यहोवा यीरे है। God who has helped us this far shall provide for the future. आज तक जिस परमेश्वर ने आपको चलाया वो ही परमेश्वर कल भी आपको आगे चलाता जाए। Trust in him. उस पर भरोसा कीजिए। Depend on him. उस पर आश्रय कीजिए। Follow him. उसके पीछे हो लीजिए। Represent him. उसके लिए आप गवाह बनिए। Remember, you are the ambassadors for Christ. याद रखिए, आप सब मसीह के राजदूत हैं। The grace and peace of God the Father and the Lord Jesus Christ be with you now and evermore. परमेश्वर के अनुग्रह और शांति और पूरी आशीष आप पर अभी और हमेशा हमेशा बनी रहे। Praise God. Amen. 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 Thank you, Doc. Thank you, Uncle Dr. George Varghese. He can be here. Now may I invite Reverend Bill Hates, who has his own Bible school back at home and who has been a teacher in our Bible school. Please come forward
and share a word of greetings. And Dr. Paul Matthews will be translating for brothers and sisters, bhai aur behno, graduates aur snatak chhatro, I bring you greetings from Malaysia. Malaysia se main aapke liye salam lata hu. Coconut trees, nariyal ke ped, banana trees, kele ke ped, rubber trees aur rubber ke ped, pepper bushes aur kali mirchi ke paude, lovely beaches aur bahut hi sundar beach. No, it's not Kerala, it's Malaysia. Main Kerala ki baat nahi kar raha hu, main Malaysia ki baat kar raha hu. I go to a church called El Shaddai Sanctuary. Main wahan par El Shaddai Sanctuary ka church ka sadasya hu. They have sent me here. Unhone mujhe yahan bheja hai. I bring you greetings from our church and its pastor Michael Ho. Aur hamari kalisya aur pasman Pastor Michael Ho ki taraf se salam lekar aata hu. I want to tell you El Shaddai is behind you. Aur main kehna chahta hu ki El Shaddai aapke piche hai. Hallelujah. We work with you for the glory of God. और हम आपके साथ हैं और हम आपकी परमेश्वर की महिमा के लिए आपके साथ चलने को तत्पर हैं। My name is Bill. मेरा नाम बिल है। Some years ago, I heard that there was a Bill tribe in India. और कुछ साल पहले मैंने सुना कि यहाँ पर एक भील जाति है। भील and जाति। I felt I must go and meet my fellow Bills. So what happened? इसलिए मैंने सोचा, चूंकि मैं भी बिल हूँ, इसलिए मैं भील में जाके सेवा करूँगा। We even have some bills on the platform. मुझे अभी मालूम पड़ा कुछ मेरे जाति के लोग यहाँ स्टेज पर भी बैठे हैं। Where are they? कहाँ हैं? Hallelujah! Oh yes! Praise God! Hallelujah! It is wonderful to be part of something that God is building. और प्रभु कुछ जिस कार्य का निर्माण कर रहा है, उसमें मैं एक अंग मेरा है भी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। I have a little Bible school in my apartment in Kuala Lumpur in Malaysia. और मलेशिया में जहाँ मेरा घर है, वहाँ पर मैं बाइबल स्कूल चलाता हूँ। I have 2,000 books. मेरे पास 2,000 पुस्तकें हैं। And one student. और एक छात्र है। That's me. और वो छात्र का नाम बिल है। And I've been thinking to myself, this is a big waste. और मैं अपने आप के बारे में सोच रहा था, ये कितना वेस्ट है। What can I do? मैं क्या करूँ प्रभु? Last night I had my answer. कल रात को मुझे मेरा उत्तर मिल गया। Philadelphia is going international. और अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज का अंग बन जाता हूँ और आज से फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज इंटरनेशनल नाम हो गया उसका। So you can start in Kuala Lumpur. इसलिए आप मलेशिया में पढ़ो या इंडिया में पढ़ो, एक ही बात है, फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज में। As I said to you yesterday, जैसे कल मैंने आपसे कहा, you are welcome. आपका मलेशिया में स्वागत है। But don't all come at once. लेकिन सब एक साथ मत आना। Now I have two words for you, one word of encouragement and one word of advice. और मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूँ, एक प्रोत्साहन की बात और एक शिक्षा की बात। I want to tell you, graduates, स्नातकों में आपसे कहना चाहता हूँ, and all of you here who serve God, और जो कोई प्रभु की सेवा करते हैं, you are working for and you are serving the future King of India. और भारत के होने वाले राजाओं के राजा की आप सेवा कर रहे हैं। Remember, Jesus is Lord. याद रखिए, यीशु ही प्रभु है। He is the Raja of Rajas. वो राजाओं का राजा है। And one day, India will see the glory of the Lord revealed, as our verse says. और जैसे यहाँ आयत में लिखा है, यशायाह 40:5 में, एक दिन यह पूरी प्राण सारे प्राणी यहोवा की महिमा को प्रकट होते हुए देखेंगे। Isaiah 40:5. यशायाह 40:5. But remember, before verse 5 comes verse 4. लेकिन पांचवी आयत से पहले चौथी आयत आती है। And verse 4 says, every mountain and hill will be made low. और वहां पर लिखा है चौथी आयत के अंदर, हर एक पहाड़ समतल किया जाएगा। It's our job to remove the mountains. और पहाड़ को समतल करना हमारा जिम्मेदारी, हमारा काम है। It's our job to speak to the mountains. हमारा काम है कि हमारे पहाड़ों से हम कहकर उसको हम भूमि चौरस भूमि बना दें। So that the glory of the Lord may be revealed in India. ताकि प्रभु की महिमा इस देश के अंदर प्रकट हो सके। So you are working for the best possible master. और इसलिए आप ऐसे एक सेवकाई कर रहे हैं स्वामी की, जो सबसे सर्वोत्तम स्वामी है। Oh yes, you may have to suffer. आपको सतावा हो सकता है।
But the Bible says if we suffer for him, we will reign with him. Lekin Bible sikhati hai ki hum uske liye satave dukh uthaye to uske sath rajy bhi karenge. Reigning with Christ is for those who suffer for Christ. Aur ve hi log rajy karenge jo dukh uthate hain. Not for those who take it easy. Jo aaram ki kursi mein baithne walon ke liye nahi hai. Or for those who just indulge themselves. Aur ya fir apne aap mein vyarth jeevan bitane walon ke liye zindagi nahi hai. It's for the suffering servants of God. Ye dukh uthane wale sevakon ke liye राज्य करने का अधिकार भी प्रभु ने रखा है। In 1 Samuel 22, पहला शमूएल 22 में, King David was in the cave of Adullam. राजा दाऊद अदुल्लम की गुफा के अंदर था। 400 discontented and distressed people joined him. और 400 जो निराशित और दुखी लोग उसके साथ जुड़ गए। David's life was in danger. और दाऊद का जीवन खतरे में था। He was being hunted and persecuted. और उसको ढूंढा जा रहा था, उसको मार गिराने की कोशिश थी। But these 400 people believed. लेकिन इन 400 लोगों ने विश्वास किया। That David was going to be the future king. इन्होंने विश्वास किया कि आने वाले दिनों में दाऊद ही राजा होगा। And this was true. और ये होने वाला था। The future belonged to those people. और इनका भविष्य उनका था। 10 years later, 15 years later, they were running the country. और 10-15 साल के बाद सचमुच ऐसा ही हुआ, वे राज देश पर अधिकार करने लगे। Remember, God can change things. याद रखिए, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकता है। Remember the prophecies we have received. भविष्यवाणियों को जिसको आपने प्राप्त किया है उसको याद कीजिए। This is my encouragement to you. ये मेरा आपके लिए प्रोत्साहन है। Now, three words of advice. अब मैं तीन शब्द आपको शिक्षा के दूंगा। And I will sit down. और उसके बाद बैठ जाऊंगा। Hallelujah. Three words. Never stop studying. और बस इतना कहना चाहता हूं, कभी भी बाइबल अध्ययन बंद मत करिए। Never stop. कभी भी बंद मत करिए। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर, मलेशिया से आए हम सबको बुला के जा रहे प्रभु के दास का हम धन्यवाद दीजिए। थैंक यू रेवरेंड बिल फॉर चैलेंजिंग अस टू बी एडवेंचरस एंड टू बी डिलिजेंट इन ऑल ऑफ अस फॉर द लॉर्ड। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर द वाइस प्रिंसिपल एंड को फाउंडर ऑफ फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज रेवरेंड तंपी मैथ्यू टू कम फॉरवर्ड एंड गिव वर्ड ऑफ ग्रीटिंग्स। अभी रेवरेंड तंपी मैथ्यू जो फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज का सह स्थापक है और वाइस प्रिंसिपल है, वे आगे आके शेयर करेंगे। एंड डॉक्टर पॉल मैथ्यूज आई विल ट्रांसलेट फॉर। इट्स इंडीड अ जॉय फॉर मी टू बी हियर दिस मॉर्निंग विद द ग्रेजुएटिंग क्लास एज वेल एज ऑल द ऑनर्ड गेस्ट्स। और सारे सम्मानीय हमारे मेहमानों के साथ और स्नातकों के साथ मैं आज सुबह हूं यहां पर, इसलिए बहुत खुश हूं। Brings me great joy as well as tears in my eyes what the Lord has done during the last 20 plus years. Aur 20 se bhi zyada varshon ke andar prabhu ne jo kaarya kiya usko yaad karkar main aanandit bhi hu, sath sath mere aankhon mein aansu bhi chalakte hain. I was just recalling my remembrance about the time myself and Dr. Thomas Matthew met in the fourth floor of the building, apartment number 25, together we were there sitting. और मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जब चौथे माले के अंदर कमरे नंबर 25 के अंदर हम लोग पहली बार मिले थे। In Muscat, Oman. और ओमान में, खाड़ी के देश ओमान में, मस्कत शहर के अंदर तंपी साहब रहते थे और पादरी साहब वहाँ गए थे, वहाँ पर इन्होंने मुलाकात ली। As I mentioned to him to start a small school, I have seen a tall man jumping and dancing there. और जैसे ही मैंने उनको उस कमरे के अंदर बोला, पादरी साहब आप एक बाइबल स्कूल शुरू कीजिए 5 छात्रों के साथ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जिससे मैं बात कर रहा था पादरी साहब एकदम उछल पड़े। I mean, even when he sit and stand, he looks the same. और चाहे वो खड़े हो या बैठे हो, वो ज्यादा लंबे नहीं दिखते हैं, आपको मालूम है।
But the moment he stood up and rejoicing in the presence of the Lord that God has answered the prayer, it was a wonderful opportunity that I can recall. Aur main aaj bhi yaad karta hu wohi manush jab main unko bola ki aap Bible school shuru kiye kariye itna zor se uchle ki unki lambai bahut zyada dikhne lagi. Only one thing I can say, hitherto the God of heaven brought us either to praise the Lord. Aur bas main itna keh sakta hu swarg ke parmeshwar ne aaj tak humko chalaya hai. I just want to give all glory and honor to him. Puri mahima aadar main prabhu ko dena chahta hu. There is nothing that we can proclaim as ourselves, but the Lord has done great things and marvelous things in the life of Philadelphia Bible College. Kabhi bhi hum aisa nahi keh sakte ki humne kuch kiya hai, lekin sab kuch parmeshwar ne hi kiya hai. It is not a single man's effort, but it is the effort of so many saints all over the world. Aur ek vyakti ka ye parishram nahi tha, lekin ye to parmeshwar ke daaso ka jo vishv bhar mein rehte hain unka yogdan tha prabhu ki sahayata. And this morning I have a challenge to everybody who is sitting here. Aur jo koi yahan baithe hain aaj aapke liye mere paas ek chunauti hai. You can do great things. Aap bade bade karya kar sakte hain. You can sow a seed for the kingdom. आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो सकते हैं। If that 500 rupees 25 years ago was able to do what you have seen today, you could sow a 500 rupees today and you will see great things happening in India and around the world. मस्कत के अंदर 25 साल पहले मैंने 500 रुपया लेकर पादरी साहब को दिया था, वो 500 रुपया आज 25 साल के बाद इतना हो गया, तो मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप भी कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य में निवेश करिए और प्रभु उसका प्रतिफल आने वाले दिनों में आपको देगा. This morning I challenge the people sitting here that sow a seed, maybe 500, maybe 200, maybe 1000 rupees to the city and town which you claim and sow it. I believe God will multiply into thousands and thousands of saints. Praise the Lord. Aur main aapko kehna chahta hu prabhu ke rajya ke liye, vibhin shaharon ke liye, vibhin gaavon ke liye, aap apne dhan ka nivesh kariye, chahe wo 500 hoga ya 1000 hoga ya 200 hoga, kitna bhi aap nivesh kariye prabhu ke rajya ke liye, prabhu usko badha kar aapko lautaye. If the Lord is giving you the anointing and the unction to do that, come after this of the celebration and talk to me and we will write it down and we will praise the Lord for what God is going to do. Amen. Amen. Aur main aapse chunauti deta hu, aapko aahwan deta hu ki sabha ke baad yadi aap karna chahte hain, chhota se bhi amount hoga, rashi hogi, aap mujhse miliye, main aapka naam lekar usme hum nivesh karenge. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Congratulations, graduating class. Snatak होने वाले क्लास, आपको मेरा सलाम. The faculty of Philadelphia Bible College, I appreciate all what you have done to bring these great men and women to be trained in the word. Bible College का अध्यापकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी मेहनत करके इनको तैयार किया है. I just want to remind you one thing, that what you have received from the Bible College is basic education, but you have to sit in the presence of the Lord with the word of the Lord and then study by yourself. Praise the Lord. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं स्नातक होने वाले छात्रों, जो कुछ हमने बाइबल कॉलेज में आपको सिखाया वे आधारभूत बातें थी, लेकिन अब आपको प्रभु की हुजूरी में बैठकर उससे सीधा प्राप्त करना होगा. You need to sit in the presence of the Lord and receive every day in order to give it to other people. Prabhu se har din prapt karkar aapko logon ko dena hoga. I just want to tell you that you are being called by God. Aapko prabhu ne bulaya hai. And in 2nd Peter chapter 1 verse 3 we read like this. Aur dusra patras pehla adhyay teesri ayat ke andar hum aisa padhte hain. His divine power has given us everything. कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ हमें दिया. Can you tell with me divine power? मेरे साथ बोलिए ईश्वरीय सामर्थ्य. And then in verse 4 we read that through this he has given us his very great and precious promises. और चौथी आयत के अंदर लिखा है कि बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं. Precious promises. बोलिए बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं. Number 1 is divine power. पहली बात ईश्वरीय सामर्थ्य. नंबर 2 इट इज द प्रेशियस प्रॉमिसेस. और दूसरी बात चौथी आयत के अंदर बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं. हालेलुया. हालेलुया. एंड वी हैव नथिंग टू गिव यू. हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. बट गॉड हैज ग्रेट थिंग्स टू गिव यू. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें रखी हैं. एंड दैट इज द डिवाइन पावर. ये ईश्वरीय सामर्थ्य है. एंड द प्रेशियस प्रॉमिसेस. और ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं. एंड इफ I just want to remind you one thing. एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ. And there is nothing that we can give us
divine power or precious promise. और के हमारे पास कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं. When you are going ahead to the promised land to bring souls for the kingdom of God, I tell you the divine power and the precious promises are the treasures that you have. और आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप प्रभु की सेवा करने जाएंगे तो ईश्वरीय सामर्थ आपकी होगी, उतना ही नहीं बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं भी प्रभु ने आपके लिए. There may be people and organization will invite you with the promises, but I challenge you, don't listen to them, but listen to the divine power and the precious promises. कई प्रतिज्ञाएं लोग आपको करेंगे लेकिन ऊपर भरोसा मत कीजिए, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं जो वचन के अंदर है उस पर भरोसा आप कीजिए. If you trust in the Lord, Lord will take care of you. आप प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु आपको आशीष दे. Amen. Amen. I just want to say thank you to the Lord and also I thank you Molly joining together with me this morning in the graduation ceremony. और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी मौली भी पहली बार इस दीक्षांत समारोह के अंदर आई हैं. मैं बहुत खुश हूं. This is the first time she is attending the ceremony here. और पहली बार वे यहां पर भाग ले रही हैं. She helped me a lot standing behind with me and praying for this ministry. और इस सेविकाए के लिए निरंतर प्रार्थना करने में और मदद करने में मेरे साथ लगी रही, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद. Continue to pray for us and congratulations to the graduating class. आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें और एक और बार स्नातक होने वाले छात्रों को मेरी बधाई. God bless you. प्रभु आशीष दे आप. Let his hands be with you. ओ परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे. Let his mighty power guide you. उसकी बड़ी सामर्थ्य आपकी अगुवाई करने पाए. Let the Holy Spirit give you the unction to go forward. और पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करे कि आप आगे आगे जाते जाएं. May the Lord bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें. हालेलुयाह, बोले प्रभु यीशु मसीह की. आमीन. धन्यवाद तंबिंगल, क्योंकि आपने हमें बताया कि हमें विशेष करके ग्रेजुएटिंग क्लास को परमेश्वर से बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को लेके जाना है और प्रभु हमें देने जा रहा है. एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर ए स्पेशल सॉन्ग एंड मैं सिस्टर संगीता को वापस बुलाना चाहता हूँ कि ये गीत में हमारी अगुवाई करें. प्रेज़ द लॉर्ड. लूक उसके 10 अध्याय में लिखा है, गॉड सेंड्स 72 ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड ही सेज आई सेंड यू 2x2. हर एक को वो कहता है कि मैं तुम्हें दो दो तुम्हें मैं भेजता हूँ, हर एक गांव, हर एक गली, हर एक शहर में. लेकिन एक बात याद रखना, ही सेज, जीसस सेज, आई सेंड यू एज लैम्स अमंग द वुल्व्स. गॉड विल टेक केयर ऑफ यू. एंड आई हैव दिस सॉन्ग व्हिच सेज इन इंग्लिश, गो माय पीपल गो. Go, my people, go. The harvest is ready. I send you 2x2. Don't be concerned. What will I say? What will I do? For I am with you. Yes, I am with you. Go, with my men. Go, my people. The harvest is ready. I send you 2x2. Don't be. What will I say?
Thank you, Sister Sangeeta. And this is a time for our principal, Dr. Thomas Matthews, to come forward and address the audience. Abhi hamare principal Dr. Thomas Matthews abhi aage aayenge aur hame sambodhit karenge. Jordar taaliyon ke saath Prabhu ke daas ka hum swagat karenge. हालेलुया, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस बाइबल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में प्रभु ने हम सबको जमा किया. छोटा सा आरंभ जो परमेश्वर ने किया वो कितना बड़ा परमेश्वर कर सकता है उसका उदाहरण हमारी फेलोशिप है, हमारी बाइबल कॉलेज है. How small things God can take in His hands and make it grow and multiply it. That is what we have seen the last 25 years in our fellowship and 24 years in the Bible College. छोटे छोटे लोगों को प्रभु चुनता है तभी मैं तुमने बिल्कुल सही बात बोला. अगर एक छोटा आदमी इतना थोड़ा बहुत कर सकता है तो लंबे लोग कितना ज्यादा काम कर सकता है. जब लंबे लोग काम नहीं करते खुदा कोई ना कोई छोटे आदमी को चुनता है. जब छोटा आदमी तैयार हो जाता है उसके पीछे लंबे लोग भी तैयार होके आ जाते हैं मदद करने के लिए. ताली बजाए तो बराबर बजाए नहीं तो बजाओ मत. गॉड पिक्स अप स्मॉल पीपल फ्रॉम हियर एंड देयर and the tall people when they come and line up behind them mighty things begin to happen. Hallelujah, we are standing with God. I'm so happy this morning about Molly auntie. I still remember the night when Bratambi took me to their apartment in Muscat and told me, Pastor Saab, start a small North Indian Bible school with 5 students. I'll give you money, 500 rupees only every month. That is what we have. We have other commitments for wheat flour for the 5 students. That was in 1980 mein unhone bola apne kamre mein 5 logon ko aap jawanon ko chun lo unka aata ki paisa 500 rupees mein dunga. And that man and his wife Molly, Sister Molly, they stood together in their commitment to God. I said, yes, I'll begin that Bible school. Now in the 24th year, Brother Thambi has never missed one month. Never he missed 1 month support. Every month, if he failed to send 2 or 3 months support, he will send a bigger amount the other month. He stood behind this ministry all these 24 years. And after thanking God, if there's anybody I have to thank, that is Brother Thambi and Sister Molly for this great ministry the Lord is doing. Taali bajakar khuda ko dhanyawad de. Parameshwar ko dhanyawad de. Jo kuch humne kiya, tune hamare liye kiya. Acts 16:9-10 mein, prayer is 16:9-10 mein, there's a beautiful verse. Paul received the Macedonian call and the vision. Ek vyakti Paulus ne raat ko darshan mein Macedonia se ek ajnabi ek anjaan vyakti ko usko bulate hue dekha aur suna. Paar utar kar aao, हमारी मदद करो. One man saw the vision and heard the voice. Next verse, 10 आयत में लिखा है, प्रेरित 16:10 में, and then we 3 times, फिर तब हमने समझा कि परमेश्वर ने हमको चुना मकदुनिया के लिए और हम जाने के लिए तैयार हो गए.
then we understood God called us for this great work and we started our journey. The vision always begins with one man, and if that man is honest and true to the vision, that I will become we, ek vyakti ke piche hum bolne wale log aa jayenge, yahi hamari kahani hai. That is our story. Number of people have come and stood behind us over these years in this. Main un sabko dhanyavaad dena chahta hu. Main jawanon ko, former graduates and present graduates, main batana chahta hu. The most important thing is not money or vehicles or buildings or degrees. The most important thing in your life is the call and the vision from the Lord. And if you got it, if you are sure of that, all other good things will follow and you will never lack people and helpers. Agar aapko darshan mila, aapko bulahat mili, agar aap bulahat mein imandar raha, imandar rahi, aapke piche saikadon log khade rahenge aur paisa aata rahega, log aate rahenge, koi aapka kaam ko rok nahi sakta, ek hi vyakti rok sakta. Agar aap beiman nikal gaya, sara karyakram fail ho jayega. Jab tak aap wafadar rahenge, khuda aapke dwara karyakram badhata hi jayega. Aap nikal jayenge, lekin aapki seva khuda piche se aur badhata jayega. Amen. In the Psalm number 68, verse 11 and 12, there is a special verse for ladies, ladies only. Please read for me. 68 Psalm 11 and 12. Adsat bhajan 11 ayat aur 12 ayat. God gives the word stabha shubha samachar sunane waliyon ki badi sena ho jati hai. Bas, wait a minute. NIV and New International Version and so many perversions are there. I don't know. But I am thankful to my Hindi Bible and Malayalam Bible. Baki sab mein aadmi hai, avrate pata nahi. Hindi mein saaf likha hai. Khudavand vachan deta hai. Shubha samachar sunane waliyon ki dal of women. A great army of women. They get ready when God gives them. I don't know why God has. One more verse. The next verse, 12th verse, for another woman. Yes. Our ghar mein jo baithi rehti hai, grihastin, grihani. Two kinds of ladies are there. One, an army of ladies who take the word and run. The second group of ladies are the ladies who stay back at home cooking and washing. The housewives, they also get the spoil in the battle. Praise God. Moli aunty, second group mein aati hai. She is not in the army of women who are running in the mission, but she stayed back at home. इस सेवा के पीछे कई महिलाएं हैं, मेरे धर्म पत्नी, आपकी आंटी और मेरी आंटी, और वो है और कामले आंटी, संगीता और मिसेस केवी अब्राहम, और ऐसा लंबा लाइन निकलती जाएगी जो वचन लेके दौड़ने वाली सेना और पीछे घर में बैठ के काम करती करती लूट को लेके रखने वाली, स्पॉइल जमा करने वाली बहनें, उन तमाम बहनों के लिए कोई आदमी लोग जोरदार ताली बजाइए. खुदावंद वचन देता है, वो ले जाने वाली बहनों की सेना बनती है, घर में रहने वाली बहनें भी आत्मा और प्रतिफल का स्पॉइल लूट ले सकते. लास्टली आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ब्रदर Churian, Abraham Churian. He recently completed his doctorate. Not a simply doctor. In India, everybody is a doctor. If you sell
toothpaste and tooth powder, he's also a doctor. But we don't accept such doctors in our seminary. He came to our Bible college as a student in Hindi class, did his BTH, CTH, then BTH, then went for MD, MTH on top. And we are so proud to say that our Bible college could sponsor him for his PhD studies, and he has come out with a very good mark, very excellent performance. He has completed his PhD. Hamare Abraham Churian bhai ne, hamare sir ne PhD complete kiya. Achhe grade ke saath taali bajakar unko aap badhai dijiye. Maybe he's the first student, Tambi, he's the first student of your Bible school who completed his PhD and serving in our Bible college. We are so proud of Ichirian. You are a quiet man, but we have great confidence upon you, and you are a strong man. Amen. Okay, secondly, Bhai Wesley ne abhi telephone kiya. Wesley Lucas, our former registrar, is doing PhD in Pentecostal studies in Birmingham University. God arranged support for his studies. Hamare, and he will come back and work on our faculty. Wesley sir ka telegram aaya, ve PhD kar rahe aakar hamare college mein padhayenge. Unke liye taali bajakar unko badhai dijiye, jaldi achhi tarah padhai kare. Reverend Willie Abraham, hamare vice president ka beta, registrar the hamare Bible college mein, aur is samay hame yaad karte hain. Unki wife Molly, pata nahi kitne Molly hai idhar. और मोली विली जो हर महीना ये सेवकाई में बाइबल कॉलेज में नहीं, हमारे एक एरिया के वर्कर्स को बराबर मदद करते हैं. हम उनको याद करके उनके लिए प्रभु का धन्यवाद में ताली बजाएंगे. और बाकी जितने नाम लिए बिना हमारे पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर हमारी मदद करते हैं, सबसे बढ़कर हमारे उदयपुर चर्च, दैट इज द मदर चर्च ऑफ दिस मिनिस्ट्री, उदयपुर की मातृ मंडली, उनको 2:30 बजे या शाम को हम खड़ा करेंगे. मैं उन सारे विश्वासी को, आई रिमेंबर बिफोर गॉड विथ ग्रेट ग्रेटफुलनेस एंड थैंकफुलनेस बिफोर गॉड आवर चर्च मेंबर्स ऑफ उदयपुर, उदयपुर के मातृ मंडली के तमाम विश्वासियों को. जो मैथ्यू साहब कोई प्रोजेक्ट लगाएगा वो पूछेगा नहीं क्यों कर रहे हो, बस ताली बजाएगा और पैसा डालता जाएगा. और उदयपुर मंडली को प्यार करने वाले सारे विश्वास लोग धन्यवाद के रूप में उस मंडली को धन्यवाद दीजिए. गॉड ब्लेस उदयपुर चर्च. प्रभु आप सबको आशीष दे. आगे हम मिलकर इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे. परमेश्वर आप सबको प्रतिफल देगा. आगे जाने वाले, पीछे रहने वाले, वे दोनों लूट को पाएंगे. खुदा की महिमा मिलकर करेंगे. आमीन. थैंक यू सो मच. रजिस्ट्रार इज रिमाइंडिंग मी दिस इज द ऑफरिंग टाइम. हमारे सेवकाई के पीछे तंबी मैथ्यू साहब जो पैसा भेजते हैं, केवल वो ही नहीं, बहुत लोगों ने मदद किया है. यू नो, आई हैड नेवर सीन ए 500 रुपीज नोट इन उदयपुर और वेरेवर. When I came here many years ago, as I was entering the gate, a very poor looking village believer sister came and gave me a praise the Lord in my hand. And so it was a 500 rupee note. First time I held in my hand a 500 rupee. 500 rupee sabse pehle 500 ka note yahan ek behan ne mere haath mein diya hai. Kyunki wo paise wali nahi thi, lekin darshan, ye darshan उस बहन ने समझा था. आज सुबह खुदावंद के लिए हम देने जा रहे. और खुदा, आई वांट टू कॉल अपॉन जॉय पुनूस आवर मिशन डायरेक्टर टू कम एंड गिव अ 2-मिनट चैलेंज बिफोर वी टेक अप द ऑफरिंग. वेयर आर यू? यस, Bible says if we give freely we shall receive freely. Bible कहती है अगर हम मुफ्त में देंगे
तो हम मुफ्त में पाएंगे भी. And it's a privilege for you and me to help the Bible school training. Bible school के प्रशिक्षण के लिए मदद करना हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है. And you know, if you give it today, when we go to eternity, there will be some people, you know, will be thanking you. आज अगर हम खुशी से देंगे और एक बार जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहां पर कुछ लोग होंगे जो हमारे हमें धन्यवाद देने वाले होंगे. Because of you supported, we could train some students and they could go as the missionaries and preach the gospel. इसलिए कि आपने इसमें अपनी भेंट को चढ़ाया, उसके द्वारा कुछ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे पाए और उनके द्वारा कुछ आत्माएं प्रभु के पास आ सके. Because of they went to such a city or a village or a places, you know, they preached, you know, these people could come to know Jesus. इस वो जो जवान किसी नगर में या गांव में जाकर प्रचार करने के द्वारा कुछ आत्माएं प्रभु के पास आ सके. And you will see, because of you supported, there will be hundreds of people in eternity. आप देखेंगे आपने भेंट, आपके भेंट के द्वारा, आपके दान के द्वारा सैकड़ों लोग स्वर्ग में अनंतता में आप देखेंगे. And how many of you say, you know, today I want to invest, you know, something, you know, today for, you know, this training program. आप में से कितने लोग बोलना चाहते हैं कि जवानों को प्रशिक्षण करने में मैं भी कुछ न कुछ डालना चाहता हूँ, कुछ न कुछ बीज मैं भी बोना चाहता हूँ. I don't want to take much time, you know. Take out your wallet. Some of you got wallets. Take out your wallets. आप में से किसी के पास बटुआ है, पर्स है, उसको जरा बाहर निकालिए. And some of you say, I don't have wallet. Maybe your money is hiding somewhere, you know, on your body. You know, take out some. आप में से कोई बोलेंगे मेरे पास तो बटुआ नहीं है, मैं नहीं लाया, लेकिन आपके वस्त्र में कहीं भी आपने छिपा के रखा है. Maybe in your handkerchief or maybe in your pocket, you know, wherever, you know, that money is hiding, and take out. हो सकता है कि आपके खलिया में हो सकता है कि आपके साड़ी के अंदर बांध के रखा हो, उसको निकाल दीजिए. And when you know we want to give something to God and give the best, you know, for God. परंतु जब हम प्रभु को कुछ देना चाहते हैं, सबसे बढ़िया दीजिए प्रभु को. And you know, bless this ministry today. और इस सेवकाई को आज आशीर्वाद दीजिए. And open your wallet and take out the, you know, the biggest amount you can. अपने जेब से या अपने बटुए से सबसे ज्यादा रकम जो आप दे सकते हैं उसको आज दे दीजिए. I am going to do that. And how many of you will do with me? अब मैं उसको करने जा रहा हूँ. आप में से कितने लोग करेंगे? Hold the money. Take out from your wallet. Take out from your pocket and hold the money. आप पैसा निकालिए और उसको हाथ में रखिए. And we are going to pray over it. और हम उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. And we didn't know Jesus was preaching in a village and there were a lot of people. हम जानते हैं यीशु एक गांव में प्रचार कर रहा था और वहां पर बहुत भीड़ थी. One of Jesus disciple Andrew went and told Jesus, Jesus, the darkness is appearing and you are preaching going on and on. How we are going to feed all these people? चेलों में से एक जन अंद्रियास जाके यीशु मसीह से कहा, प्रभु अंधेरा हो रहा है, इन सभी लोगों को हमें खिलाना है, कैसे हम खिलाएंगे? But this boy, you know, he had five bread and two fish, you know, that he had given to Jesus. परंतु वो बालक के पास पांच रोटियां और दो मछलियां थी. And Jesus took that, you know, five bread and two fish and prayed over it and, you know, blessed, and we could see, you know, over 5,000 people could feed. जब वो बच्चे ने खुशी से वो पांच रोटी और दो मछलियां प्रभु के हाथ में दी, प्रभु ने उन्हें आशीष दी और हजारों लोगों को खिलाया. They all ate well and left over 12 baskets. वे सब खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच गई. And you know, grab this opportunity to give, you know, for kingdom work. इस अवसर को हाथ से जाने न दीजिए, प्रभु के राज के लिए कुछ करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए. Tomorrow, you know, you may not get this opportunity to sow the seed. कल ये अवसर आपको नहीं मिलेगा ये बीज बोने के लिए. And this is the best time. ये सबसे बढ़िया समय है. So I'm going to pray for this money. You know, could you please hold your money? सब लोग अपने हाथ में पैसा निकाल दीजिए और मैं इस पैसे के लिए आपने जो हाथ में निकाला उसके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ. The volunteers, get ready. You know, to how we are going to do this. The buckets are here. You know, you can come forward and, you know, put the money. सब लोग अपना हाथ उठा करके पैसा हाथ में निकालिए और उसको उठा लीजिए. विश्वास से प्रभु का दास प्रार्थना करने जा रहे हैं. वॉलंटियर्स तैयार हो जाइए. Dear Jesus, thank you, Lord, for today, the opportunity for us to sow, Lord, for your kingdom work. प्रिय यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक अवसर दिया आपके राज्य की महिमा के लिए बीज बोने में. Whatever, Lord, we are going to give, Lord, today, Lord, you can bless this, Lord, and you can multiply
and Lord, we will be able to use this for your kingdom work, O Lord. प्रभु हम आज जो भी देने जा रहे हैं आप इसको इसमें कुछ को आशीर्वाद दे सकते हैं और उसको आप दुगुना चौगुना बनाकर आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Bless the people those who are participating today, Lord, with this ministry. इस सेवकाई में जो भाग ले रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए प्रभु. And bless this offering. और इस भेंट को आशीष दीजिए. Thank you in Jesus' name. यीशु के नाम. यीशु के